नमस्कार दर्शकों, प्रदोष काल, प्रदोष काल में जो दो शब्द आ रहे हैं, प्रदोष, प्रदोष मतलब जो भी दोष हो उनका काट करने वाला, और जो सबका काल हो यानी के महाकाल, इसके बारे में है यह वीडियो। प्रदोष काल के बारे में है यह वीडियो, न आदि न अंत उनके बारे में है यह वीडियो। ना आदि मतलब जिनकी कभी शुरुआत ही नहीं हुई, ना अंत यानी कि जिनका कभी अंत ना हो सकने वाला हो, यानी कि महाकाल जो कि भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान शंभु हैं और हम सब के आराध्य भगवान शिव शंभु के बारे में यह वीडियो है। प्रदोष व्रत के बारे में आपको पूरा वीडियो, एक वृहद वीडियो आपको पहले ही मिल चुका है, जिसमें यह बताया गया कि प्रदोष व्रत क्यों रखते हैं, कहाँ से यह शुरू हुआ, क्या इसको रखने की विधि है, क्या इसको रखने का तरीका है, और इसके साथ साथ पारण का क्या तरीका है, यह भी बता दिया गया था कि पारण किया जाता है प्रदोष काल के अंदर। अब प्रदोष काल दिन के समय कब होता है और रात के समय कब होता है, यह भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। प्रदोष काल होता ही क्या है, यह भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे भविष्य नक्षत्र लिखा आ रहा है, इसके बराबर में सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि वर्ष में आने वाले सभी व्रत एवं त्योहारों की जो विशेषता है भारत में हिंदू धर्म के अंदर, वह सभी आपको पहले से ही मालूम पड़ जाए। साथ में यदि आपका कोई प्रश्न आपकी जन्मपत्री से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, तो वह भी हमसे पूछ सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इससे संपर्क आप कर लें, आपको जो भी प्रश्न आपके बारे में पूछने हो वह पूछें, सशुल्क उसका उत्तर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं सीधे इस वीडियो के विषय के ऊपर, प्रदोष काल क्या है। न आदि न अंत, न सुबह न शाम, ऐसा है प्रदोष काल। न दिन है न रात, बिल्कुल बीचों बीच इसके क्या होता है, सूर्योदय से सभी तिथियां शुरू हुआ करती हैं, सूर्योदय से ही सभी व्रत शुरू हुआ करते हैं, सूर्योदय से ही सभी के सभी जितने भी त्यौहार हम मनाया करते हैं हिंदू धर्म के अंदर, वह उसकी तिथि कब से मानी जाती है, सूर्योदय से मानी जाती है। तो एक प्रश्न सबके दिमाग में आता है कि सुबह के टाइम, जो भी सुबह का समय है, उस बीच प्रदोष काल कब होता है। तो मित्रों, सीधी सीधी बात यह जान लें कि प्रदोष काल दिन में होता ही नहीं है, सुबह के वक्त कोई प्रदोष काल नहीं होता। जी हाँ, कुछ भ्रांतियाँ YouTube चैनल पर किसी ने फैला रखी होती हैं, उसके बीच में हम आकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ होने की अब से कोई आवश्यकता नहीं, प्रदोष काल आपने जान लिया कि दिन के वक्त प्रदोष काल होता ही नहीं। तो प्रदोष काल होता कब, ज्योतिष जिसमें कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, तब से लेके ज्योतिष की गणना शुरू होती है और जब तक प्रलय नहीं हो जाती, सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता, तब तक ज्योतिष गणनाएँ की जा चुकी हैं और की जा सकती हैं। तो क्या एक प्रदोष काल नहीं जाना जा सकता? जी हाँ मित्रों, प्रदोष काल जाना जा सकता है। सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि जो घड़ी हम देखा करते हैं अपने घर में, हमारे पास जो घड़ियाँ होती हैं, जो कलाई घड़ियाँ होती हैं, उनमें एक घंटा जब बीत जाता है तो 60 मिनट होते हैं, ऐसे ऐसे 24 घंटे बीत जाते हैं तो एक दिन बन जाता है। परंतु प्रदोष काल किस तरह निकालें, कहा जाता है कि एक घटी कुल 24 मिनटों की होती है, ऐसी ऐसी ढाई घटी से एक घंटा बनता है। अब आप हिसाब लगा लें कि 24 मिनट की एक घटी, ढाई घटी मतलब 24 प्लस 24 प्लस 12 यानी कि 24 प्लस 24 48 और 12 60 यानी कि पूरा एक घंटा हो गया। तो ढाई घटी से एक घंटा बना करता है। अब प्रदोष काल किसको कहा जाता है? प्रदोष काल कहा जाता है उस समय को जब सूर्यास्त हो रहा हो उससे दो घटी पहले और दो घटी बाद, यानी कि प्रदोष काल उस समय को जबकि सूर्यास्त हो रहा है उससे 48 मिनट पहले। कई बार सर्दियों में इसका समय कुछ अलग हो सकता है, लेकिन दो घटी का समय माना जाए तो 41 मिनट से 48 मिनट के बीच, समझ गए आप? तो दो घटी पहले, सूर्यास्त से दो घटी पहले यानी कि 41 से 48 मिनट पहले और 41 से 48 मिनट बाद, लगभग मानकर चलें 45 मिनट एवरेज, 45 मिनट सूर्यास्त से पहले और 45 मिनट सूर्यास्त के बाद का समय जो है वह है प्रदोष काल। इससे सही और साफ शब्दों में YouTube पर कोई और नहीं समझाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है कि
सबसे साफ शब्दों में आपको समझा दिया कि प्रदोष काल है क्या। अब आपने जान लिया कि प्रदोष काल क्या है, न दिन न रात, उसके बिल्कुल बीचों बीच का समय, के बीतता समय जो रात की ओर ले जाए वह है प्रदोष काल। अब प्रदोष काल क्यों विशेष माना गया, प्रदोष व्रत क्यों विशेष माना गया, प्रदोष व्रत के बारे में आपने सब कुछ हमारे पिछले वीडियो में जान लिया। अब प्रदोष काल के बीच में ही कहा जाता है कि शिव जी के गण घूमा करते हैं, यह जानने के लिए कि शिव पूजन कौन कर रहा है। तो यदि आप प्रदोष काल में यानी के पौन घंटा इधर और पौन घंटा उधर सूर्यास्त से यदि भगवान शिव को पूज रहे हैं, भगवान शिवलिंग को पूज रहे हैं, भगवान शिव शंभू को अपने घर में पूज रहे हैं, फोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में, जैसे भी भगवान शिव की आप आराधना कर रहे हैं, मन में बैठकर ही भगवान का ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो भी भगवान शिव के गण जाकर उनको बताया करते हैं, भगवान शिव को बताया करते हैं कि आपकी यह बंदा यह पूजा कर रहा था, यह आपका भक्त है और आपका पूजन कर रहा है, तो इसकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी जाए। और तत्काल प्रभाव से ही भगवान शिव शंभू उस भक्त की बात को मान लिया करते हैं, सुन लिया करते हैं। तो यह है प्रदोष काल की विशिष्टता। यदि आपको अब तक ये बात नहीं मालूम थी और इस वीडियो में आपने जानी है, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को, ओम नमः शिवाय पहले लिख दें कमेंट बॉक्स में, तब अपनी चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। किस तरह की कहा जाता है कि प्रदोष काल वह काल है जो आपके ऊपर आ रही किसी भी तरह की घर पर नज़र हो, किसी भी प्रकार की आपके व्यापार पर नज़र हो, किसी भी प्रकार के आपके कारोबार पर, आपकी नौकरी पर नज़र हो, इसके अलावा कोई कोर्ट केस आपके चल रहे हो, किसी भी प्रकार का काल आपके ऊपर हो, वह काल भी हट जाया करता है प्रदोष काल में भगवान शिव शंभू की पूजा कर लेने के लिए। और इसके साथ साथ सोमवार का व्रत यदि आप रखते हो, देखिए कितनी अच्छी बात है जब हम कहते हैं शुरुआत में कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, कितनी अच्छी चीज़ें जानने को मिलती हैं। जो लोग अंत तक बने रहते हैं वीडियो में, उनके लिए सबसे पहले शुभकामनाएँ, बधाइयाँ कि वो वीडियो के अंत तक हैं, तो उन्हें और दो चीज़ें जानने को मिल रही हैं कि जो लोग सोमवार के दिन व्रत किया करते हैं, 16 सोमवार के व्रत किया करते हैं, सावन के सोमवार के व्रत किया करते हैं, या किसी भी प्रकार के शिव शंभू से जुड़े हुए कोई भी पूजन का आप कोई भी नियम करते हैं, तो इस दिन आप प्रदोष काल के बीच, जैसा कि आपको बताया कि प्रदोष काल कब से कब तक होता है, इस बीच यदि आप भगवान शिव शंभू को पूजें तो 4 गुना उस व्रत का जो भी पुण्य है वह आपको मिल जाता है। तो प्रदोष काल के बारे में इतनी विशिष्ट जानकारी शायद आपको कहीं और न मिले, ऐसा मेरा अनुमान है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो और इस वीडियो की जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो, और यदि नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पीछे जाकर दोबारा देखें, मेरा ऐसा अनुमान है कि आपको एक ही बार में समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पर हमसे दोबारा पूछ लें, और भगवान शिव शंभू की पूजा लगातार करते रहें, क्योंकि शिव ही हैं जो कि आदि हैं, अनंत हैं, और जिनकी पूजा जितनी आप कर लें, जम के करें, और हर चीज़ आपको मिल जाएगी मित्रों। और ऐसा यदि आपका भी विश्वास हो तो ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिखते हुए इस वीडियो से विदा लीजिए। धन्यवाद मित्रों, ओम नमः शिवाय।